कानपुर देहात के मूसानगर थाना क्षेत्र में यमुना नदी में अवैध तरीके से हो रहा मछलियों का शिकार, जहां पर भारी मात्रा में मछलियों का शिकार किया जाता है। सूत्रों की माने तो मुसरिया निवासी सोनेलाल निषाद बिहार के शिकारियों द्वारा करवाता है। मछलियों का शिकार वहां पर काम कर रहे युवकों से पूछा गया तो पता चला कि यह कारोबार पिछले कई वर्षों से चल रहा है और प्रशासन को इसकी खबर तक नहीं है। हैरानी की बात तो यह है कि मछलियों का शिकार करने के बाद वहीं पर धड़ल्ले से मछलियों को सुखाया जाता है, जैसे कि जिला प्रशासन ने उनको मछलियां पकड़ने की इजाजत दी हो। इस बारे में जब हमारे संवाददाता ने एसडीएम भोगनीपुर से बात की तो उन्होंने कार्यवाही करने का आश्वासन दे दिया। अब देखना यह होगा कि प्रशासन कब तक इन पर कार्यवाही करती है या फिर इसी प्रकार आश्वासन देकर टाल दिया जाएगा। इंडियन प्राइम न्यूज के लिए सर्वेश यादव की खास रिपोर्ट। क्या नाम है आपका? भूखलू सहनी। कहाँ के रहने वाले हैं आप? बिहार का। बिहार का। ये जो मछली का कारोबार आपका चल रहा है, तो ये किसके द्वारा चल रहा हो? ये सुखा रहे हो मछली, कैसे, किससे किसके आदेश पे सुखा रहे हो? हम अपने ठेकेदार के आदेश पे हैं। सब दिन से हम आ रहे हैं यहाँ, 6 साल से हम हैं। हम ठेकेदार के थ्रू हैं शुरू से। कौन ठेकेदार है? मेरा ठेकेदार सोनेलाल निषाद है। कहाँ के हैं? मुसरिया का रहने वाले हैं। अच्छा, तो उनके जरिए से आप? हाँ, उनके जरिए। ठेके का कोई लाइसेंस है? अब तो वो जाने, लाइसेंस उनके पास है या नहीं है वो जाने। तो आप बिहार के रहने वाले? हाँ, हम बिहार के रहने वाले। किस जगह शिकार हो रहा है? नगीना के सामने शिकार हो रहा है। अच्छा, कौन सा क्षेत्र पड़ता है ये? कानपुर पड़ता है। अच्छा, कानपुर देहात। तो कितने दिन से शिकार चल रहा है ये? शिकार पहले से चल रहा है, 6 साल से हम यहाँ आ रहे हैं। अच्छा अच्छा, 6 साल से शिकार ऐसी काम चल रहा है? हाँ, ऐसी काम चल रहा है।